Hello everyone and welcome back. So recently I decided to brush up my watercolor skills. तो मैंने ये 48 shades का एक palette buy किया. So इसकी packaging इतनी tempting थी कि बहुत time तो मैंने इसको use ही नहीं किया. But today I decided to use it and show it to you guys also. So this is not my first camel watercolor palette. इससे पहले मैंने camel का ये 24 shades वाला watercolor palette use किया है और ये बहुत अच्छे हैं. You can see the comparison as well. So today I decided to do a watercolor sketchbook practice with you guys. So चलिए start करते हैं. स्काई पार्ट के लिए मैं वेट ऑन वेट टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ. तो उसके लिए सबसे पहले मैं वाटर अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं पेंट को अप्लाई करूँगी. तो सिंस ये एक लूज वाटर कलर पेंटिंग है, आई एम कीपिंग माई स्ट्रोक्स लूज एंड कॉन्फिडेंट. तो यहाँ पे मैं रिवर पार्ट को पेंट करने के लिए वेट ऑन ड्राई टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ. दैट मीन्स कि मैं पेपर को वेट नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली पेंट अप्लाई कर रही हूँ. और आप यहाँ पे मेरे ब्रश की डायरेक्शन को भी देख सकते हो टू क्रिएट दिस ब्यूटीफुल इफेक्ट दैट आई एम गोइंग विद. यहाँ पे मैं पेंटिंग में इंटेंशनली वाइट स्पेसेस को छोड़ रही हूँ. ये वाइट स्पेसेस एक हाईलाइट की तरह एक्ट करेंगी, विल ऑल्सो एड मोर डेप्थ टू द पेंटिंग and also leaves room for some interpretation. That means it will allow the painting to breathe. Thank you.
तो एंड में मैं वाइट कलर को यूज़ करके कुछ हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ। सो आवर पेंटिंग इज़ रेडी। डू लेट मी नो आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।